हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। मैं सर वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है, दैट इज दो टॉपिक्स आज हम लोगों को कवर करने हैं। पहला इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज योर इंश्योरेंस क्लेम। हमारे देखा जाए तो सर चार टॉपिक्स बचे हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच, और एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक बचा है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो चार टॉपिक्स बचे हैं, बाकी सब हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने एक भी रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जाकर आई बटन में आपको रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप जाकर रिवीजन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। प्लस मैंने एक वीडियो भी बनाई है, रैकेट्स हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट अकाउंट, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, वो भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की चर्चा को आगे बढ़ेंगे। आइए जी, टॉपिक इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब सर ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है, प्लस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कवर हो जाता है, AS 13। अब इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है इसका AS का पार्ट और दूसरा इसका प्रैक्टिकल पार्ट। अगर मैं AS के पार्ट की बात करूं तो सर इंस्टीट्यूट इसमें से AS का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, प्रैक्टिकल भी पूछ लेता है, कुछ भी आ सकता है, तो दोनों आपको अच्छे से करके जाने हैं। सबसे पहले AS के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो AS में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टमेंट मीन एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स हैं विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम, जो बिजनेस में रखे गए हैं इनकम कमाने के लिए, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स। अब मुझे बताइए कौन कौन से एसेट्स हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमाई जा सकती है, जैसे डिबेंचर्स खरीद लेना, बॉन्ड्स खरीद लेना, इन सब पे क्या होती है इंटरेस्ट इनकम होती है। डिविडेंड किस पे होता है? डिविडेंड होता है जी शेयर्स पे, शेयर्स आप खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड कमाने के लिए। और रेंटल मतलब आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया और उसको रेंट पर चढ़ा दिया है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। एंड विच आर हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आप उससे कोई इनकम नहीं कमा रहे, आप वेट कर रहे हैं कि भाई इसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ेगी और मैं इससे कैपिटल गेन कमाऊंगा। जैसे टैक्स में पढ़ते हैं ना कैपिटल गेन वगैरह, वही चीज। कैपिटल गेन कैसे कमाओगे? आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, कई सालों तक उस शेयर्स को अपने पास रखा और जैसे ही उसका प्राइस अप हुआ आपने उनको बेच दिया और कैपिटल गेन कमा लिया। सेम गोज फॉर प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करके रखा सो दैट आप उसका प्राइस बढ़ेगा, उसको बेचेंगे और कैपिटल गेन कमा लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम एंड कैपिटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। अब इन्वेस्टमेंट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें इन्वेस्टमेंट्स की, तो तीन पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है जी करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या होती है जी? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मींस विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड, विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी सोल्ड एंड इंटेंडेड टू बी सोल्ड within a period of 12 months. Current investments क्या है? Current investment मतलब वो investment जो easily बिक सकती है, जिसकी अभी market available है, readily realizable मतलब अगर आप बाजार में उसको लेके जाएं तो वो बिक सकती है, that is your current investments. And जिसकी जिसको बेचने की intention है within 12 months, मतलब मैंने कोई शेयर खरीद लिया आज और मेरी intention है कि मैं इसको 12 महीने के अंदर अंदर बेच दूंगा, that is known as current investments. एक आती है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आप इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, सेम करंट इन्वेस्टमेंट्स को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है? विच आर नॉट करंट, भैया जो करंट नहीं है वो क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी,
अब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में ही एक इन्वेस्टमेंट को डाला गया है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली है, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, और उस प्रॉपर्टी का सब्सटैंशियल पोर्शन, उस प्रॉपर्टी का सब्सटैंशियल पोर्शन हमने अपने यूज के लिए रखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी का सब्सटैंशियल पोर्शन हमने इस्तेमाल करने के लिए हमने नहीं रखा हुआ है। अभी मैंने शायद रख दिया बोल दिया होगा, लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका सब्सटैंशियल पोर्शन हमने अपने बिजनेस के लिए यूज के लिए नहीं रखा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब हमारा क्या इंटेंशन है कि हम उसका मेजर पार्ट रेंट पर चढ़ाएंगे और उससे रेंट कमाएंगे, या फिर उसको बेचकर कैपिटल गेन कमाएंगे, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सब्सटैंशियल पोर्शन नॉट फॉर यूज। अब बात आती है सर इनकी वैल्यूएशन कैसी करी जाएगी। अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? इसकी वैल्यू निकाली जाती है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लेस, एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। और दूसरी चीज क्या होती है, इफ देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी, मतलब सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंटली डिक्लाइन हो रही है, परमानेंटली गिर रही है, तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा जी, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर जो डिक्लाइन है वो टेम्परेरी नेचर का है तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर ही शो करी जाएंगी। उसके बाद आती है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो AS 13 में नहीं गिवन है, उसकी वैल्यूएशन गिवन है AS 10 के अंदर, तो इसके ऊपर AS 13 अप्लाई नहीं होता है। तो AS 13 अप्लाइज ऑन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। वैल्यूएशन की बात समझ में आई, क्लासिफिकेशन समझ में आई। अब आते हैं सर रीक्लासिफिकेशन। रीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट की का नेचर चेंज कर दिया, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट थी मेरी करंट, लेकिन अब मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं टू द लॉन्ग टर्म। भाई होता है ना भाई, जब मैंने इन्वेस्ट शेयर्स खरीदे और मैंने मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं शेयर को एक साल के अंदर अंदर बेच दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्यों ना इस शेयर को होल्ड करा जाए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट का क्या करा जी, नेचर चेंज कर दिया। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर रीक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये ध्यान रखना है जी, ये वैल्यू कब चेंज हो रही है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब आपने ट्रांसफर किया, मतलब जब आपने नेचर चेंज किया है, उस डेट पर आपको वैल्यू क्या रखनी है, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। उसके बाद आता है अगर आप इसका नेचर चेंज कर रहे हो लॉन्ग टर्म से करंट, भाई आपने कोई शेयर्स खरीदे या कोई आपने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे और आपको लगता है कि मैं लंबे समय तक रखूंगा, लेकिन आपको लगता है कि भैया फायदा नहीं है, क्यों ना इसको फटाफट बेच के खत्म करें काम, तो अगर आप उसका नेचर चेंज कर रहे हो लॉन्ग टर्म टू करंट, तो आपको उसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू इज कॉस्ट और बुक वैल्यू, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बात समझ में आती है, बोलिए जी। दिस इज योर रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला जो पार्ट था ये हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट था, एक बार फटाफट इसको रिकैप करेंगे। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आर दोज असेट्स, हाँ जी इन्वेस्टमेंट्स क्या है जी, इन्वेस्टमेंट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल, एंड विच आर
हर्ल्ड इन द बिजनेस फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल गेन कमाने के लिए हमने उसको रखा है। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी तीन तरीके की होती है, एक होती है जी करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। करंट इन्वेस्टमेंट्स का विच आर रेडिली रियलाइजेबल, रेडिली रियलाइजेबल मतलब जिसकी मार्केट अवेलेबल है और जिसको खरीदने की इंटेंशन क्या है कि भाई हम इसे 12 महीने के अंदर अंदर सेल ऑफ कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। दूसरी आती है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब इन्वेस्टमेंट इन दोज लैंड एंड बिल्डिंग, दोज प्रॉपर्टी जिसका सब्सटेंशियल पोर्शन हमने बिजनेस यूज के लिए नहीं रखा, उसका हमारी इंटेंशन क्या है कि उसको हम रेंट पर चढ़ा देंगे या उससे कैपिटल गेन कमाएंगे। एंड थर्ड इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट करंट इन द नेचर। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ओनली एट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है इफ देर इज अ डिक्लाइन दैट इज परमानेंट इन नेचर, यानी कि टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं है तो हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इफ देर इज अ डिक्लाइन विच इज टेम्परेरी इन नेचर तो हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हमारी AS 13 में डिस्कस नहीं है, उसके लिए AS 10 हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं रीक्लासिफिकेशन की बात करूं तो रीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, रीक्लासिफिकेशन मतलब हमने उसका नेचर चेंज कर दिया, जैसे कि पहले करंट थी अब वो क्या हो गई है, लॉन्ग टर्म हो गई है, तो जिस डेट पर हमने उसको ट्रांसफर किया है उसका नेचर चेंज किया है तो उस डेट पर वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो करंट से अगर आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं तो वैल्यू विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और अगर आप लॉन्ग टर्म से करंट पे जा रहे हैं तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वैल्यू विल बी कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है जी, तो दिस इज योर AS पार्ट, AS पार्ट से भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको अच्छे से करके चलना है। क्लियर है जी, ओके। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। आइए जी, अब देखो प्रैक्टिकल पार्ट में इसके हमारे पास दो एस्पेक्ट बनते हैं। जो पहला एस्पेक्ट बनता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। देखिए दो एस्पेक्ट्स क्या क्या बनते हैं, अगर मैं दो एस्पेक्ट्स को क्लासिफाई करूं तो पहला एस्पेक्ट बनता है कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटीज जिसपे इनकम क्या है जी, फिक्स है, जिसपे इनकम क्या है, फिक्स है। मुझे बताइए कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपको फिक्स इनकम आती है, डिबेंचर्स, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स है, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पे भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज एट अ फिक्स रेट। और दूसरी आती है इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटी जिसपे इनकम जो है वो फिक्स नहीं है, जैसे कि डिविडेंड, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखिए एक सिचुएशन बना के देता हूं मैं आपको। मान लो ये हमारे पास एक से सारे एस्पेक्ट इसी में कवर हो जाएंगे। सिचुएशन क्या है, यहां पर डेट है लेटर से हमारी 1st जनवरी 2019, यहां पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन लेटर से 12% बॉन्ड्स, हमारे पास 12% बॉन्ड्स है और यहां पर ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितना, 1 लाख रुपए का। इसमें क्या है, हमारे पास 1000 बॉन्ड्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच, और इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स है हमारी, इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स हैं लेट अस से 31st मार्च एंड 30th सितंबर, मतलब हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, कौन कौन सी डेट पे, 31st मार्च को और 30th सितंबर को। मुझे बता सकते हैं कि 1st जनवरी पे जो मैंने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब मेरा जब ईयर बिगिन हुआ मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा मुझे 30th सितंबर को। तो कहने का मतलब इस डेट पर मेरा कोई इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया होगा, कुछ इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया होगा। कितना इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा, मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा सर 1 लाख का 12%, कितने महीने का, 3 महीने का, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट एक्रूड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकलेगा 1 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स, यानी कि मेरा 3000 रुपए का इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड। ओके सर, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है जी। उसके बाद
मान के चलते हैं मैंने फर्स्ट फेब को मैंने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी। इन्वेस्टमेंट्स क्या करी जी, परचेज करी। मान लो मैंने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी, 500 इन्वेस्टमेंट्स खरीदी मैंने एट द रेट ऑफ, अच्छा ये प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स में लेके चलता हूं। मैंने यहां पर 500 बॉन्ड्स खरीदे, 500 क्या खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे एट द रेट ऑफ रुपीज 92x इंटरेस्ट। अब बात आती है सर ये एक्स इंटरेस्ट क्या है, मुझे बताइए। जब मैंने फर्स्ट फेब को बॉन्ड्स खरीदे, जिससे मैंने खरीदे मुझे बताइए उसका कितने महीने का इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। सर नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सर नुकसान हो रहा है। कैसे, उसको तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया होगा। अब 30 सितंबर से 1 जनवरी कितने हो गए, 3 महीने, और फर्स्ट फेब तक हमारे पास कितने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने। उसको तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो वो मुझे पे करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो मैं इस केस में एंट्री डालूंगा क्या, मैं डालूंगा भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और मैं एक एंट्री डालूंगा दैट इज नोन एज, बताइए जी क्या एंट्री डालूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल जी, परचेज करने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। भैया वो सेलर है ना, वो क्या कहेगा, वो कहेगा जो 4 महीने का मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वो तुम मुझे पे करो, वो मैं उसे पे कर दूंगा। क्यों पे कर दूंगा, क्योंकि देखिए जब यहां पर 31 मार्च आ जाएगी, जब यहां पर 31 मार्च आ जाएगी, तो 31 मार्च को सारा का सारा 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे ही मिलेगा। सारा का सारा 6 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा जी, मुझे ही मिलेगा। क्लियर है जी। तो यहां पर जो मैं एंट्री डालूंगा दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। मुझे बता सकते कि मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, मेरी इंटरेस्ट इनकम होगी एक तो ये जो 1 लाख है इस पे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट, प्लस ये जो 500 बॉन्ड्स मैंने खरीदे, इस 500 बॉन्ड्स पे तो 4 महीने का मैंने इंटरेस्ट उसे पे कर दिया, तो ये 2 महीने का तो इंटरेस्ट इनकम मेरी है। 4 महीने का कहां पे करा सर, ये मैंने इंटरेस्ट क्या कर दिया जी, पे कर दिया। आई कुछ बात समझ में, चौक के लिए। अब मान के चलते हैं, अब क्या हुआ, लेट अस से यहां पर डेट आती है हमारे पास 1 जून को, 1 जून 2019 को अगेन मैंने कुछ परचेज करा, मैंने परचेज करे लेट अस से 700 बॉन्ड्स एट 103 कम इंटरेस्ट। सर ये कम इंटरेस्ट क्या है और एक्स इंटरेस्ट क्या है, एक्स इंटरेस्ट मींस जो 92 का प्राइस है उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। और कम इंटरेस्ट में क्या होता है कि 103 रुपए में इंटरेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब 92 का जो अमाउंट होगा वो तो यहां पर आ जाएगा और इंटरेस्ट हमारा यहां पर अलग से आएगा, लेकिन जो 103 का अमाउंट है, तो जब मैं एंट्री पास करूंगा यहां पर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 103 का जो प्राइस है वो इन दोनों को मिलाकर है, तो मुझे ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मुझे बताएंगे यहां पर निकलेगा कितना, मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा भैया 700 पे 12% का कितने महीने का इंटरेस्ट। अब बताइए 31 मार्च से 1 जून तक कितने महीने हो गए, अप्रैल एंड मई, 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे सेलर को पे करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 700 × 100 का 12% × 2/12, ये हो गया 1400 का इंटरेस्ट मुझे यहां पर पे करना पड़ेगा। अब सर ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये कैलकुलेशन होगी आपकी 700 × 103 − 1400, क्योंकि इस 103 में इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड था, तो 700 × 103 − 1400 ये बनता है आपके 70,700। क्लियर है जी, ओके। और लास्ट, और उसके बाद अगर मान लो सेल होगी हमारी, सेल होगी लेट अस से 1 नवंबर को मैंने कुछ सेल कर दिए, तो सेल करने पे मुझे इंटरेस्ट क्या करेगा जी, मिलेगा। सेल करने पे मुझे जितना पीरियड का इंटरेस्ट बनता है वो मुझे मिल जाएगा, और यहां पर हमारे क्या आता है जी, क्लोजिंग बैलेंस आता है, और क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस में मुझे इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करना पड़ेगा, और एक्रूड इंटरेस्ट कुछ है तो एक्रूड इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या यहां पर 31 दिसंबर को एक्रूड इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल सर एक्रूड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 सितंबर को मिला था, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, एक्रू हो जाएगा, वो मुझे शो करके चलना पड़ेगा। बात समझ में आई, ओके। अब आता है सर एक वैल्यूएशन का पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे,
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहला मेथड क्या रखना पड़ेगा जी? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। वेटेड एवरेज मेथड कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई में परचेज प्राइस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। भैया परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये आपका क्या निकल गया? एक वेटेड एवरेज प्राइस निकल गया। उसको आप क्लोजिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपकी कॉस्ट आ गई है, ये आपकी क्या आ गई है? कॉस्ट आ गई है। इसको कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से, विच एवर इज लेस। उसके बाद अगर हमारे पास फीफो मेथड है तो फीफो मेथड में क्या करेंगे कि भैया जो सेल हुई है हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे चलेंगे तो ऑल बैलेंस इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन। ऑल बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स विल बी टेकन। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। अब मैं एक बार आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है एग्जाम में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन जो भी था हमारा उसी को देख लेते हैं। 12% बॉन्ड्स अकाउंट, तो ये कुछ हमारा टी शेप अकाउंट बनेगा इस तरीके से। तीन कॉलम्स रहेंगे आपके, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हो और आप इसको नंबर्स में भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट और यहां पर आएगा आपका कॉस्ट। अगेन यहां पर पर्टिकुलर्स, नंबर्स या नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट और आपकी कॉस्ट। किस तरीके से? देखिए अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस बीडी, जो भी नॉमिनल वैल्यू है। अगर इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा तो वो यहां पर आ जाएगा और इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। टू बैंक अकाउंट, ये क्या शो कर रहा है जी? टू बैंक अकाउंट, ये आपकी परचेज शो कर रहा है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, परचेज के टाइम पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया और जो भी आपकी कॉस्ट होगी। बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट में आपका अगर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो यहां आ जाएगी। बाय बैंक अकाउंट, अगर आपकी कोई सेल प्रोसीड्स है तो नंबर, सेल के टाइम पे जितना आपको इंटरेस्ट मिला और कॉस्ट आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट। टू पीएनएल अकाउंट मतलब जितना इंटरेस्ट इनकम आप पीएनएल में डालोगे, एक तो वो, और ये क्या आ जाएगा? दिस इज योर प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, आपको एंट्री बाय एंट्री प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री बाय एंट्री कैलकुलेट नहीं करना, वो आप अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर रख सकते हो। सेम गोज फॉर देयर। बाय पीएनएल अकाउंट, यहां पर क्या आएगा आपका? देखिए इंटरेस्ट तो कुछ आएगा नहीं, यहां पर क्या आएगा? कॉस्ट में अगर आपका कोई लॉस ऑन सेल है तो। ठीक है, तो एंट्री बाय एंट्री आपको नहीं करना। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, जितने नंबर्स हैं, अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड है तो इंटरेस्ट एक्रूड आ जाएगा और कॉस्ट आपकी ये निकलेगी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे वेटेड एवरेज हो चाहे फीफो हो। ठीक है जी। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इन केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, जैसे हम डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ओके, अगला जो एस्पेक्ट आएगा दैट इज इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम इन बियरिंग सिक्योरिटी, दैट इज शेयर्स वगैरह, कि शेयर्स के केस में हम इंटरेस्ट अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। आइए जी, अब एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हाँ जी, एक सेकेंड। शेयर्स में कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, डिबेंचर्स में ज्यादा पॉइंट्स होते हैं।
देखिए शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इसमें हमें जो जो चीजें समझनी है दैट इज एक तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स हैं, जिसे बोलेंगे टू बैलेंस बीडी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स हैं। मजे की बात क्या है पर क्या है कि कोई भी अक्रूड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएगा परचेज ऑफ शेयर्स। परचेज ऑफ शेयर्स में क्या आएगा कि जब भी हम शेयर्स खरीदेंगे तो हम क्या एंट्री डालेंगे, हम नॉर्मल एंट्री डालेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक, दैट्स इट। भैया कितने शेयर खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, वो एंट्री डल जाएगी। कोई भी यहां पर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा परचेज प्राइस होता है, जो इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान रखना, डिबेंचर्स में भी ध्यान रखना, परचेज प्राइस इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, इसमें कमीशंस भी इंक्लूड होती हैं, और इसमें हमारी स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब चीजें, ब्रोकरेज वगैरह सब इंक्लूड होती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमें साथ में लेके चलनी है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई बोनस शेयर्स होंगे तो आपको बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। बोनस शेयर की नो एंट्री, वाई नो एंट्री, क्योंकि बोनस शेयर की कॉस्ट रहती है इन निल। कॉस्ट क्या होती है, निल होती है। ओनली ओनली नंबर विल इंक्रीज, बोनस शेयर से क्या होगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आएगा राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स मतलब सस्ते शेयर्स। राइट शेयर मतलब क्या हो गया, सस्ते शेयर। अगर सस्ते शेयर मिल जाते तो क्या होगा, इफ राइट इज सब्सक्राइब्ड, अगर हमने राइट को सब्सक्राइब कर लिया है तो नॉर्मल शेयर परचेज करने की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, नॉर्मल एंट्री। और इफ राइट इज रिनाउंस्ड, अगर राइट को आपने रिनाउंस कर दिया तो राइट को सेल करने की एंट्री बनेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल पीएनएल अकाउंट, इनकम कहलाएगी। अच्छा इसमें दो केस आ सकते हैं, रिनाउंस को हम बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स भी डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका आईसीआई इस चीज को अलाउ नहीं करता। एज पर आईसीएआई चले तो हमें यही करना है कि रिनाउंस करते हैं जब राइट, तो वो हमारी इनकम कहलाती है, ओके जी। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आएगा डिविडेंड का, कि सर डिविडेंड का क्या करना है। डिविडेंड के लिए हमें देखना पड़ता है पीरियड। अगर तो डिविडेंड उस पीरियड का है जिस पीरियड में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, तो वो कहलाएगा हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी। अब देखिए कंसेप्ट समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई। वाई ने एक्स से शेयर्स खरीदे, वाई ने एक्स से शेयर्स खरीदे, और एक्स ने जब शेयर्स खरीदे उस साल का डिविडेंड एक्स को नहीं मिला था। तो मुझे बताए, जब एक्स वाई को शेयर बेचेगा तो ऑब्वियसली थोड़े महंगे बेचेगा। क्यों महंगे बेचेगा, क्योंकि भैया जो वो शेयर्स बेच रहा है उस पर डिविडेंड का राइट भी तो सेल हो गया, उस पर डिविडेंड का अधिकार भी तो बिक गया। क्योंकि जब वो शेयर वाई के पास चले जाएंगे तो पुराने साल का भी डिविडेंड जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था वो वाई को ही मिलेगा। तो एक्स ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको शेयर का प्राइस बढ़ाकर बेचता है, महंगा शेयर बेच देता है। और जब वाई को डिविडेंड मिलेगा तो वो उस डिविडेंड को कहेगा कि भैया मेरी ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, ना कि मेरी इनकम, ठीक है जी। और अगर डिविडेंड उस पीरियड का है जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट्स थी, दैट इज नोन एज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, और ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी इनकम कहलाएगी, दैट इज बैंक टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाऊं, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस अगेन उसी तरीके से हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस में हमें देखना है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और फीफो मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या निकलेगा कि भैया क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ऑल द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई में परचेज कॉस्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट, या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी आप करके नॉमिनल वैल्यू ले सकते हैं या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। अब परचेज प्राइस में से एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेल ऑफ राइट है तो जो वो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेट परचेज कॉस्ट लेकर चलनी है, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा कैसे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट कैसे बनेगा जी, देखिए है उसी तरीके से, कोई भी ज्यादा इसमें फर्क वाली चीजें नहीं है। तीन कॉलम यहां भी बनेंगे, वो तीन कॉलम किस किस तरीके से, इस तरीके से हमारे तीन कॉलम बनेंगे। यहां पर रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पर रहेगा आपका नंबर्स ले लीजिए, और यहां पर ले लीजिए आप इनकम, और यहां पर ले लीजिए आप अपना कॉस्ट,
अगेन यहां पर पर्टिकुलर्स, नंबर, इनकम और कॉस्ट। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी में क्या रहेगा भैया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और कितनी उसकी कॉस्ट है, किस प्राइस पर वो शेयर है। इनकम नहीं होगा क्योंकि कोई एक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो बैंक में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगी, कोई इनकम नहीं कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद टू बोनस, बोनस शेयर से क्या होगा, बोनस शेयर से सर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं रहती। टू बैंक, टू बैंक में अगर आपने कोई राइट्स, अगर आपने कोई राइट शेयर सब्सक्राइब करे हैं तो आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बाय, बाय लेते हैं, अगर मान लो आप शेयर बेचते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट। ये आ गया आपका सेल ऑफ शेयर, तो सेल में आपका नंबर खत्म और कॉस्ट। उसके बाद बाय बैंक, बाय बैंक में अगर मैं लिखता हूं मान के चलिए इनकम कॉलम में, तो इनकम कॉलम में आपके पास क्या हो सकता है, इनकम कॉलम में ये आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है। बाय बैंक, अगर मैं अमाउंट लिखता हूं इनकम कॉलम में सिर्फ, तो ये आपका सेल ऑफ राइट भी हो सकता है कि राइट आपने रेनाउंस कराया या राइट आपने सेल करा है। उसके बाद अगर मैं बाय बैंक लिखता हूं, अगर मैं बाय बैंक लिखता हूं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कॉलम में, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और उसके बाद आपका बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी में आपका नंबर्स आ जाएगा, कोई इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, क्लियर है बच्चों? हाँ जी। अब इसका ना एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन निकाला हुआ मैंने ICAI के स्टडी मेट का, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए जी, ICAI के स्टडी मैट का क्वेश्चन मैंने निकाल रखा है, वो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ICAI का, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये पढ़िए क्या कहती है, ये कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, जो भी ले लीजिए 2020, क्या डेट पे ट्रांजेक्शन आपकी, 1 अप्रैल को उसने परचेज करे हैं ₹12,00,000 8% बॉन्ड एट 80.5 कम इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। ठीक है जी, मैं काम करता हूं इसका साथ साथ ना डायग्राम भी आपको बनाकर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए जी, अगर मैं बात करूं, पहली इन्वेस्टमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 8% बॉन्ड्स, तो 8% बॉन्ड्स का अगर मैं चार्ट बनाऊं तो ये हो गया आपका 8% बॉन्ड्स। हाँ जी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसके पास क्या है जी, उसके पास है ₹12,00,000 8% बॉन्ड एट 80, उसे परचेज करे हैं 12 लाख 8% बॉन्ड एट 80.5 कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की डेट है 1 नवंबर एंड 1 मई, यानी कि 12 लाख रुपए के, ये प्राइस है 12 लाख रुपए एट 80.50 कम इंटरेस्ट, एट 80.50 कम इंटरेस्ट। मुझे बताएंगे इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स क्या है, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट की ड्यू डेट है हमारे पास 1 नवंबर एंड 1 मई। एक तो ये आ गई हमारे पास 1 मई और एक आ गई जी यहां पर कुछ 1 नवंबर। मुझे बताइए अगर 1 अप्रैल को उसने खरीदे हैं तो लास्ट इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया होगा, 1 नवंबर। तो जब वो बॉन्ड्स को खरीदेगा, जब वो 1 अप्रैल को बॉन्ड्स को खरीदेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च,
5 महीने का इंटरेस्ट उसे क्या करना पड़ेगा जी, पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये इक्विटी शेयर्स की बात है, इक्विटी शेयर्स को भी मैं यहां बना लेता हूं। ये हमारे पास आ गया इक्विटी शेयर्स का केस, दोनों का देखो कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। तो इक्विटी शेयर्स के लिए कह रहे हैं कि भैया 12 अप्रैल को ही परचेज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर रुपीज 40 लाख। उसने 40 लाख रुपए के 1 लाख शेयर्स खरीदे, 40 लाख रुपए के क्या खरीदे उसने, 1 लाख शेयर्स खरीद लिए। उसके बाद 1 मई को कंपनी को हाफ ईयर का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यहां पर क्या हुआ कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 15 मई को कंपनी ने एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू, एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू कौन सी डेट पे जी, 15 मई। ये हमारे पास आ गई यहां पर, 15 मई को कंपनी ने क्या करा, बोनस इशू किया। बोनस किस रेशो में इशू किया, इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 held, यानी कि 3:2, हर 2 के बदले में 1 शेयर। तो मुझे बताएंगे कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर हो गए, ये हो गया आपके पास 1,50,000 बोनस शेयर। और साथ साथ उसने क्या किया, उसने 1,25,000 सेल भी कर दिए, इसमें से 1,25,000 शेयर उसने सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 20 each, एट द रेट ऑफ 20 each, ठीक है जी। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपए के 8% बॉन्ड्स बेच दिए, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर आपकी यहां पर आ गई, 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपए के बॉन्ड्स को क्या करा, सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 81x इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 81x इंटरेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद 1 नवंबर को उसको इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 1 दिसंबर को ये आ गया आपके पास, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को कंपनी को क्या मिला जी, 18% इंटरिम डिविडेंड मिला, 18% इंटरिम डिविडेंड। अच्छा मुझे बताइए इंटरिम डिविडेंड क्या लास्ट ईयर का होता है या करंट ईयर का होता है, आंसर इज करंट ईयर का डिविडेंड है। तो सारा का सारा इंटरिम डिविडेंड क्या कहलाएगा आपका, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा बोनस शेयर पर भी वो कह रहे हैं, वो तो हम वैसे भी लेंगे लेंगे, ठीक है जी। और ये आपकी क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च, और ये भी आपकी होगी 31 मार्च। कर सकते हैं क्वेश्चन ये, हाँ जी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स अकाउंट, उस पर लिख देना इंटरेस्ट ड्यू ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स अकाउंट, तो आइए जी बनाते हैं। तो देखिए पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, अब यहां वैल्यू में दे रखा तो नॉमिनल वैल्यू ले लेते हैं, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, बताइए क्या था सबसे पहले, सबसे पहले था हमारे पास फर्स्ट अप्रैल को, हाँ जी फर्स्ट अप्रैल को टू, अच्छा परचेज करे थे ना शायद फर्स्ट अप्रैल को, हाँ
परचेज करें टू बैंक, मुझे बताएंगे कितना अमाउंट आएगा यहां पर टू बैंक। मैं एक काम करता हूं, इसको डालता हूं वर्किंग नोट वन, जो आपको प्रेजेंट करना है आंसर वो प्रेजेंटेशन भी आपको साथ साथ बताता हूं। वर्किंग नोट वन क्या था जी? सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज 12 लाख का 8% कितने महीने के लिए? 5 मंथ्स के लिए। तो ये कितना निकल के आता है? 12 लाख का 8% 5 महीने के लिए, यह आता है 40,000। एंड कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट निकलेगी जी 12 लाख का 80.5%। 80.5% डायरेक्टली लिख सकता हूं जी? हाँ जी लिख सकता हूं, -40,000। तो ये निकल के आता है आपका, अच्छा 12 लाख का 80.5% क्यों लिखा? क्योंकि मैं अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं रेट को, ठीक है जी। अगर मैं नंबर्स लेता तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 100 करता तो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाती, तो हो जाएगा 12 लाख का -44, कॉस्ट आ गई 926,000। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे? हम यहां पर पोस्ट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू में आएगा 12 लाख, इंटरेस्ट में आएगा 40,000 एंड कॉस्ट में आएगा 926,000, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट मे को इंटरेस्ट रिसीव हो गया, फर्स्ट मे को बाय बैंक कितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया बताएंगे जी? सर 12 लाख पे 8% मिल गया पूरे छह महीने का, तो 12 लाख का 8% डिवाइड बाय 2, ये हो गया 48,000 इंटरेस्ट हमें मिल गया, ठीक है जी। अब मुझे बता सकते हैं कितनी इनकम आ रही है? देखिए 40,000 तो मैंने पे कर दिया, 48 मेरे को मिला है, तो 8,000 की नेट इनकम है। अगर आप चेक करें तो 8,000 कितने महीने का इंटरेस्ट है बताइए जी? अगर आप इसको चेक करें तो 8,000 कितने महीने का इंटरेस्ट है? सर ये एक ही महीने का इंटरेस्ट है। कैसे? 12 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 12, तो ये 8,000 क्या निकलता है? एक महीने का। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 1 मई तक का इंटरेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, 1 अक्टूबर को, अच्छा 1 अक्टूबर से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट टू। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 3 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट, ये 3 लाख भी अमाउंट है, और किस प्राइस पे बेचा था उसने? उसने बेचा था सर 81x इंटरेस्ट। कम होगा तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट माइनस कर देना, तो मैं 81% लिख देता हूं यहां पर, तो 3 लाख का 81% हो गया आपका 2,43,000। ये कितना आ गया? 2,43,000। इंटरेस्ट कितना आएगा इसमें? इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 3 लाख का 8% कितने महीने का? देखिए सेल करिए 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से पहले इंटरेस्ट कम मिला था फर्स्ट मे को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 5 महीने का, तो 3 लाख का 8% फॉर 5 मंथ्स। ये हो गया आपका 10,000, 10,000। बताइए कैसे लिखेंगे? बाय बैंक कितनी नॉमिनल वैल्यू? 3 लाख, इंटरेस्ट मिला 10,000 और 5 मंथ्स यानी कि 2,43,000, ओके जी। उसके बाद 1 नवंबर को अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, 1 नवंबर को बाय बैंक, बताएंगे जरा कितना इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक अकाउंट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर 12 लाख में से 3 लाख तो बिक गए, तो 9 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट, 9 लाख का 8% इंटू 6/12, तो 9 लाख का 8%, 9 लाख का 8% इंटू 6/12, तो ये होता है 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। और लास्ट में आ जाएगा आपका 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 3।
क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 8% बॉन्ड्स। अब मुझे बताइए मेथड स्पेसिफाइड है? हाँ जी मेथड स्पेसिफाइड है, आंसर इज नो। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। और वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है? वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि भैया कॉस्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9 लाख रुपीज इंटू परचेज प्राइस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। परचेज प्राइस बताइए, परचेज प्राइस था, परचेज प्राइस था एक ही था, 9 लाख 26,000। 9 लाख 26,000 डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी आएगी? 12 लाख। तो ये कितना आएगा? 926 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 लाख, ये आ जाएगा आपका 6,94,500 अप्रोक्सीमेटली। और कोई इंटरेस्ट एक्रूड भी होगा? बिल्कुल सर, इंटरेस्ट एक्रूड होगा। कब से कब तक का इंटरेस्ट एक्रूड को देखो, लास्ट इंटरेस्ट मिला 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक का, क्योंकि अगला इंटरेस्ट 1 मई को मिलना है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेब एंड मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड, यानी कि सर 9 लाख पे कितना था? 8% फॉर 5 मंथ्स, कितना हो गया? 9 लाख पे 8% इंटू 5/12, ये हो गया आपका 30,000। ठीक है जी। अब आप इसको कैसे पोस्ट करेंगे? इसको आप पोस्ट करेंगे बैलेंस सीडी में, 9 लाख की नॉमिनल वैल्यू, 30,000 का इंटरेस्ट एक्रूड, एंड ये आपका आ जाएगा कितना था? 6,94,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। क्या आंसर इज क्लोज्ड? क्या आंसर इज क्लोज्ड? आंसर इज नो। आपको भी अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा, अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो एक तो आ जाएगा सर 31 मार्च को ले लेता हूं, टू पीएनएल अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। पीएनएल अकाउंट में एक तो सर यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट की इनकम आएगी। इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है? 48,000 प्लस 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 36 प्लस 30 माइनस 40, ये आ गया आपकी 84,000 की इंटरेस्ट इनकम। 84,000 की इंटरेस्ट इनकम आपकी आ जाएगी। और देखिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इस पे क्या हुआ आपको? इस पे हो गया आपको आई थिंक प्रॉफिट ही हो रहा है। तो देखते हैं, 243 प्लस 6,94,500 माइनस 923, यस 11,500 का आपको क्या हो गया जी? प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी? हाँ जी, इज दिस क्लियर? यस। तो ये आपका था इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स। अब बनाता हूं मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसमें भी 3 कॉलम बना लीजिएगा। पर्टिकुलर्स एक बार देख लेते हैं, नंबर्स में है या किस हिसाब से दे रखा है आपको? हाँ नंबर्स में है। तो पर्टिकुलर्स नंबर्स, इनकम एंड अमाउंट, ये कॉस्ट लिख लीजिए। पर्टिकुलर्स नंबर्स इनकम एंड अमाउंट, ठीक है जी। तो ये किस तरीके से बनेगा इसमें देखिए, सबसे पहला टू बैलेंस बीडी, अच्छा बैलेंस बीडी तो नहीं होगा, यहां भी शायद परचेज ही हुई है। हाँ जी, टू बैंक, 1 लाख शेयर्स खरीदे, टू बैंक अकाउंट, 1 लाख शेयर्स खरीदे कितने रुपए के? 40 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, ये 40 लाख के शेयर्स खरीदे, ओके। उसके बाद फिर 15 मई को बोनस शेयर्स, 15 मई को बोनस शेयर्स, अच्छा ये थी 12 अप्रैल, फिर 15 मई को टू बोनस, कितने बोनस थे? बोनस निकालता हमने 1,50,000, कोई भी कॉस्ट नहीं होती है बोनस की। उसके बाद सेल कर दिए, सेम डेट पे उसने सेल भी कर दिए 15 मई को, बाय बैंक सेल करे 1,25,000 पे एट द रेट ऑफ 20, तो ये आ गया आपका 25 लाख के उसने शेयर्स को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर को सीधा 18% डिविडेंड मिला,
एक दिसंबर को बाय बैंक डिविडेंड अमाउंट, सारा का सारा किस में जाएगा सर? इनकम कॉलम में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। अच्छा, डिविडेंड किस पे मिलेगा? डिविडेंड इन पे भी मिलेगा और इन पे भी मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं और -125, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 125, यानी कि 1,25,000 शेयर्स पे मिलेगा। 1,25,000 शेयर्स पे मिलेगा, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, इसका 18%, 1,25,000 इंटू 10 का 18%, ये हो गया आपका 2,25,000, ठीक है जी, ये आपकी डिविडेंड इनकम आ गई। उसके बाद 31 मार्च को अब आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए, दैट्स इट। 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी में आप क्या निकालेंगे? वही वेटेड एवरेज लगा के, वेटेड एवरेज में क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है जी? क्लोजिंग वैल्यू ये आ गई आपकी 1,25,000, तो आप लिखेंगे कि 1,25,000 इंटू 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 250, आ गया 20 लाख, और ये आ जाएगा 31 मार्च को ही टू पी एनएल। टू पी एनएल में क्या जाएगा? टू पी एनएल में आपकी इनकम, इनकम कितनी थी? 225, और देखते हैं सेल प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका था इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्लियर है बच्चों? हाँ जी। सो इसी के साथ हमारा आज का जो रिवीजन का टॉपिक था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो खत्म हो गया। सर मुझे इंश्योरेंस क्लेम भी कराना था, लेकिन मेरे सिस्टम में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है जिस वजह से मैं क्लास को आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार वीडियो रुक रही है, पॉज हो रही है, तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगा। आपको मैं इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो डिपार्टमेंटल और ब्रांच के साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, यह काम करते हैं। हाँ चलो, एक यही सही रहेगा, डिपार्टमेंट, और ज्यादा टाइम ना खराब करके डिपार्टमेंटल और ब्रांच की जो वीडियो रहेगी उसी के साथ ही मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, दैट इज योर डिपार्टमेंटल ब्रांच एंड इंश्योरेंस क्लेम। जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।